हेलो स्टूडेंट्स, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इस चैप्टर का मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 मॉड्यूल के अंदर। इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये इलस्ट्रेशन जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है। बच्चों, जनरली नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्वेश्चन जो होते हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिए हुए होते हैं और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं, हम उसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने ऑलरेडी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी टैलीड है। ट्रायल बैलेंस हमको बना के दिया हुआ है और वो टैलीड है, ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी टैली है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो हमको यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। इसके बेसिस पे हमको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो बच्चों देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर एट मॉड्यूल के अंदर का निकाल लो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सबसे पहले सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट। बच्चों, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंसी रिसीट, सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स, कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड। तो बच्चों ये जो है स्पेसिफिक फंड हो गए। कैपिटल फंड तो वैसे भी हम लायबिलिटी पे लिखते हैं, रिसर्च फंड और बिल्डिंग फंड जो है ये स्पेसिफिक फंड हो गए जो कि हमको लायबिलिटी साइड पे लिखना है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फीस रिसीव्ड। बच्चों ये पूरे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे आइटम्स है और जनरली ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे जो आइटम्स होते हैं वो या तो इनकम होते हैं या तो लायबिलिटी साइड पे जाते हैं, ठीक है। ट्यूशन फीस रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हॉस्टेल रूम रेंट, मेस रिसीट, कॉलेज स्टोर्स सेल्स। बच्चों इस क्वेश्चन में ये एक अच्छा पॉइंट है, कॉलेज स्टोर सेल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, सिर्फ हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी लिखना है। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग। तो बच्चों अब यहां पे डेबिट वाले अमाउंट स्टार्ट हो गए, स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद परचेजेस स्टोर्स एंड सप्लाईज, सैलरीज। बच्चों ये सैलरीज जो है ये हेडिंग है सैलरीज, और ये सैलरीज के अंदर टीचिंग की सैलरी है, रिसर्च की सैलरी है, ठीक है। मतलब सैलरी हेड के अंदर ये दो सैलरीज दिए हुए हैं, टीचिंग स्टाफ की सैलरी और रिसर्च स्टाफ की सैलरी। उसके बाद स्कॉलरशिप दिया हुआ है, डेबिट पे है, मतलब ये स्कॉलरशिप हमने इशू किए हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। उसके बाद स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है मतलब ये एसेट पे आएगा। अदर इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बच्चों रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड लायबिलिटी पे आएगा लेकिन रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट एसेट पे आएगा, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी पे आएगा लेकिन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट पे आएगा। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, और उसके बाद असेट्स आ गए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, मोटर व्हीकल, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बच्चों ये हेडिंग दी हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के सामने कोई अमाउंट नहीं है, देख लो, इसके सामने कोई अमाउंट नहीं है अपने। यहां पे बिल्डिंग का हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का दिया, प्लांट एंड इक्विपमेंट का दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिटिंग का दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब अभी तक का असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना हुआ वो हमारे पास यहां पे ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एक्यूमलेटेड डिप्रिसिएशन है ये, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक 6,42,000, लाइब्रेरी 3,60,000।
तो इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस हमको टैलीड करके दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में क्या क्या है बच्चों देखो, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स, कॉलेज स्टोर से कुछ मटेरियल और सप्लाई कंज्यूम किया हुआ है। टीचिंग 50,000, रिसर्च 1,50,000, स्टूडेंट्स वेलफेयर 75,000, गेम्स एंड स्पोर्ट्स 25,000। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स 80,000, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 80,000। थर्ड पॉइंट है स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहां पे कोई अमाउंट वगैरह नहीं है, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि जो ये कॉलेज है इनका खुद का एक स्टोर है, दुकान है, जिसके अंदर ये कुछ एसेसरीज सप्लाई स्टोर्स एंड सप्लाई सेल करते हैं, तो उनका जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स्ड है सेलिंग प्राइस, जो कि उसके ऊपर 10% जो है नेट प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर 10%। मान लो अगर 90 रुपीज में कोई चीज परचेस करे उन्होंने, ठीक है, उसको वो 100 में सेल करते हैं, तो अगर 100 रुपीज का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है। तो इनका जो सेलिंग प्राइस ऐसा डिसाइड हुआ है कि जो भी सेल प्राइस होगा उसका 10% प्रॉफिट रहेगा, मतलब 90% क्या रहेगा, कॉस्ट। तो स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। और फोर्थ पॉइंट में डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, स्ट्रेट लाइन बेसिस डेप्रिसिएशन किस पे है, स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द फॉलोइंग रेट्स, बिल्डिंग 5%, प्लांट एंड इक्विपमेंट 10%, फर्नीचर फिक्स्चर 10%, मोटर व्हीकल 20%। तो बच्चों एडजस्टमेंट्स ज्यादा नहीं है, बट ट्रायल बैलेंस जो है उन्होंने बहुत बड़ा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो अब हमको यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। और बच्चों एडिशनली हम एक और अकाउंट बनाएंगे यहां पे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट, क्योंकि इन्होंने स्टोर्स एंड सप्लाईज परचेस किया हुआ है, स्टोर्स एंड सप्लाईज सेल किया हुआ है, कुछ कुछ स्टाफ ने, रिसर्च स्टाफ ने, वेल यहां पे दिया हुआ है देखो नीचे, रिसर्च स्टाफ ने, टीचिंग स्टाफ ने यूज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट अलग से बनाएंगे, 10 लाइंस का स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट 10 लाइंस का बनेगा, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के उसी उस तरह से रहेगा, वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा उसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, परचेज रहेगा, सेल्स रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के टाइप में हमको एक क्या बनाना है, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट। उसके बाद नीचे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे और फिर कुछ वर्किंग नोट असेट्स से रिलेटेड, क्योंकि फिक्स असेट्स के इन्होंने ज्यादा नाम दिए हुए यहां पे। फिक्स असेट्स कितने हैं देख लो, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, मोटर व्हीकल। तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स असेट का शेड्यूल भी बना लेंगे, फिक्स असेट का शेड्यूल, जिससे क्या होगा हमको बैलेंस शीट के अंदर माइनस प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको एक शेड्यूल बना देंगे जिसमें पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वगैरह पूरा एक साथ हो जाएगा। तो बच्चों फॉर्मेट देख लो किस तरह से बनाना है आपको, इन द बुक्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, इन द बुक्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। तो ये 10 लाइंस का एक अकाउंट बनाना है, 10 लाइंस का। फिर हमारा मेन आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि 15 लाइंस का रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट जो रहेगी वो 12 लाइंस की बैलेंस शीट रहेगी, बैलेंस शीट 12 लाइंस। तो बच्चों फॉर्मेट पहले प्रिपेयर कर लो, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट 10 लाइंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 15 लाइंस, बैलेंस शीट 12 लाइंस। यहां पे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, मतलब इन्होंने इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट जिस तरह से मेंटेन करते हैं उस तरह से मेंटेन किया हुआ है। सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाया इन्होंने, इनके पास पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, तो इसलिए हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है।
बच्चों ये तीन फॉर्मेट होने के बाद आपको एक और वर्किंग नोट बनाना है, ऊपर लिखना है फिक्स असेट शेड्यूल, फिक्स असेट शेड्यूल, और फिर उसमें इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। राइट साइड में हम क्या करेंगे, पांच कॉलम बनाएंगे, पांच कॉलम, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन बोल के उसमें तीन कॉलम, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस, और फिर नेट ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक, ग्रॉस ब्लॉक मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। उसके बाद हमको कुछ असेट्स का उन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, दैट इज ओपनिंग डेप्रिसिएशन बैलेंस, और फिर हम डेप्रिसिएशन करंट ईयर में कितना करेंगे वो बीच के कॉलम में लिखेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। एंड व्हाट इज नेट ब्लॉक, नेट ब्लॉक इज इक्वल्स टू ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग बैलेंस। नेट ब्लॉक कैसे निकालेंगे हम, ग्रॉस ब्लॉक दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, ओपनिंग डेप्रिसिएशन जो अपने को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है वो प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, दोनों मिला के हम क्या करेंगे ग्रॉस ब्लॉक में से लेस कर देंगे, तो हमको आ जाएगा नेट ब्लॉक। तो ये फॉर्मेट आप बना लो एक अराउंड 12 लाइंस का, 12 लाइंस का फॉर्मेट बनेगा ये। रेडी है क्या बच्चों फॉर्मेट, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट 12 लाइंस, सॉरी 10 लाइंस, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 15 लाइंस, बैलेंस शीट 12 लाइंस, उसके बाद फिक्स असेट शेड्यूल 12 लाइंस, फिक्स असेट शेड्यूल 12 लाइंस, फिक्स असेट शेड्यूल 12 लाइंस। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडजस्टमेंट सबसे पहले हम करेंगे और फिर हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस आइटम्स पे वन बाय वन। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है मटेरियल एंड सप्लाइज कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स, टीचिंग 50,000, रिसर्च 1,50,000, स्टूडेंट्स वेलफेयर 70,000, गेम्स और स्पोर्ट्स 25,000। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करो, ये जो कंज्यूम हो चुका है मटेरियल एंड सप्लाइज कंज्यूम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, मतलब टीचिंग अलग है, रिसर्च अलग है, स्टूडेंट्स वेलफेयर अलग है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये हम क्या करेंगे स्टोर्स एंड सप्लाइज अकाउंट जो हमने बनाया, स्टोर्स एंड सप्लाइज इसके क्रेडिट पे लिख देंगे। कंज्यूम कर लिया मतलब ये स्टोर्स एंड सप्लाइज अकाउंट में से कम होना चाहिए, तो हमारे ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से ये ऑलरेडी कॉलेज के अंदर ही जो टीचिंग स्टाफ है और वेलफेयर कौन सा है वो टीचिंग स्टाफ और रिसर्च स्टाफ इन्होंने यूज कर लिया, स्टूडेंट्स वेलफेयर उसके बाद में गेम्स एंड स्पोर्ट्स इसके लिए यूज हो गया। तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे
कंज्यूम बाय टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट्स वेलफेयर, गेम स्पोर्ट्स. तो ये अमाउंट हमको लिखने हैं डायरेक्टली. आउटर में लिख दो डायरेक्टली या इनर में लिख के आउटर में टोटल कर दो. टीचिंग स्टाफ ने 50,000 रुपए का स्टोर्स एंड सप्लाईज यूज किया. रिसर्च स्टाफ ने 1,50,000 रुपीज का स्टोर्स एंड सप्लाईज यूज किया. स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए 75,000 का स्टोर्स एंड सप्लाईज यूज हुआ. एंड गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए 25,000 का स्टोर्स एंड सप्लाईज यूज हुआ. हो गया बच्चों. अब हम क्या करेंगे, ये जो टीचिंग वाला पार्ट है 50,000, टीचिंग जो 50,000 है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पे लिख देंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे यहां पे हेडिंग लिखूंगा मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम, और फिर यहां पे नीचे लिखूंगा मैं टीचिंग 50,000, टीचिंग वालों ने 50,000. और बच्चों ये टीचिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 50,000 हमने इनकम मैनेजमेंट पर डेबिट पे लिख दिया. बट ये जो रिसर्च है, रिसर्च तो इसका हमारे पास स्पेसिफिक फंड है. आप अगर देखोगे ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने रिसर्च फंड बोल के एक फंड दिया हुआ है, रिसर्च फंड. और बच्चों जब कभी भी स्पेसिफिक फंड होता है तो उसकी इनकम हम उसमें ऐड करते हैं और उसके एक्सपेंस उसमें से लेस करते हैं. तो हम क्या करेंगे यहां पे बैलेंस शीट में रिसर्च फंड में से इसको क्या करेंगे, रिसर्च फंड जो है उसमें से हम क्या कर देंगे, मटेरियल जो कंज्यूम हो चुका है वो लेस कर देंगे. तो लेस मटेरियल कंज्यूम 1,50,000. तो बच्चों रिसर्च फंड है हमारे पास, उसमें अगर कॉलेज के स्टोर्स एंड सप्लाईज मतलब कॉलेज के जो शॉप है उसमें से अगर कुछ मटेरियल रिसर्च के लिए यूज होता है तो हमारे पास जो रिसर्च का फंड है लायबिलिटी साइड पे उसमें से लेस कर दो, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो 1,50,000 रिसर्च फंड कितना है देख लो एक बार. रिसर्च फंड है हमारे पास 8,00,000 रुपीज. ठीक है, तो ये 8,00,000 रुपीज लिख लो, 8,00,000. और उसमें से हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिसर्च मटेरियल कंज्यूम, रिसर्च मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम 1,50,000 लेस कर दो. अभी आउटर में मत लिखो इसको, अभी वैसे ही रहने दो. 1,50,000 लेस करके रखो, खाली सिर्फ लेस करके रख दो यहां पे 1,50,000. रिसर्च फंड में से हमने क्या किया, जो स्टोर्स एंड मटेरियल रिसर्च स्टाफ ने यूज किया है उसको हमने रिसर्च फंड में से लेस कर दिया. ठीक है, तो अब ये 50,000 का हो गया और ये 1,50,000 का हो गया. अब ये 75 और 25,000 है, ये भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स वेलफेयर 75,000, गेम्स एंड स्पोर्ट्स 25,000, तो टोटल हो गया ये 1,50,000. तो बच्चों एक बार वापस से मैं पूरा रिपीट कर दूं क्या क्या हुआ. बच्चों एक कॉलेज की अपनी खुद की शॉप है, दुकान है, और उस दुकान का हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं. और क्या कर रहे हैं, उस दुकान में से अगर कॉलेज के कोई भी एक्टिविटी के लिए अगर उसमें से कुछ गुड्स लेके जाते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं माल, तो वो हमको यहां पे स्टोर्स एंड सप्लाईज में क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा. जिस तरह से जब प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर से गुड्स लेके जाता है तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखते हैं बाय गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर. उसी तरह से यहां पे क्या हो रहा है, कॉलेज के अंदर के जो लोग हैं, वो अगर स्टोर्स एंड सप्लाईज यूज करते हैं, ठीक है, स्टोर्स एंड सप्लाईज अगर यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट में से निकाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे उसको. ठीक है, अब यहां से क्रेडिट कर दिए तो कहीं ना कहीं डेबिट करना पड़ेगा. अब टीचिंग वालों ने 50,000 का स्टोर्स एंड सप्लाई यूज किया, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए 75,000 का, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए 25,000 का, तो ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये हमने पूरे एक्सपेंस बता दिए. और ये जो 1,50,000 रिसर्च का है वो हम क्या करेंगे, अपने पास रिसर्च फंड बोल के लायबिलिटी साइड पे जो अमाउंट है उसमें से हम लेस कर देंगे. ठीक है, यहां तक हो गया. तो ये हमारा क्रेडिट इफेक्ट और ये डेबिट इफेक्ट, यहां पे हमने लायबिलिटी में से लेस किया मतलब ये भी डेबिट इफेक्ट हो गया. चलो उसके बाद नेक्स्ट
पॉइंट है, ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स 80,000। तो बच्चों ऑलरेडी ट्यूशन फीस रिसीव्ड कितना है, देखो ट्यूशन फीस रिसीव्ड यहां पे दिया हुआ है, देखो ट्यूशन फीस रिसीव्ड कितना अमाउंट है, 8 लाख रुपीज है क्या ट्यूशन फीस रिसीव्ड। चलो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम साइड पे लिखना है आपको, इनकम साइड पे ट्यूशन फीस रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड 8 लाख, और रिसीवेबल कितना है 80,000। एडजस्टमेंट नंबर टू है ना, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 80,000, तो आउटर में कितना आ जाएगा 8,80,000। ट्यूशन फीस रिसीव्ड 8 लाख एड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 80,000, टोटल 8,80,000। और अब मुझे बताओ ये जो 80,000 है ये कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आपको क्या लिखना है, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 80,000, ट्यूशन फीस रिसीवेबल बैलेंस शीट में असेट साइड पे 80,000। ये तो एकदम इजी था। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड एडजस्टमेंट, स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो बच्चों ये जो लाइन है इसका हम यूज करेंगे लेकिन एंड में, ठीक है, इसका यूज करके हमको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर निकालना है, क्योंकि स्टोर्स एंड सप्लाइज अकाउंट बनाया हमने उसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट का इन्होंने परसेंटेज दे दिया, स्टोर्स एंड सप्लाइज स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो जितना भी स्टोर्स एंड सप्लाइज का सेल हुआ है उसका 10% प्रॉफिट कर लेंगे तो वहां पे प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, एंड में अपन यूज करेंगे उसका। फोर्थ पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट अ फॉलोइंग रेट्स, बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट फर्नीचर फिक्स्चर और मोटर व्हीकल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो फिक्स असेट का शेड्यूल हमने बनाया है वहां पे हम क्या करेंगे, ये जो पांच असेट इन्होंने दिए हुए, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्स्चर फिटिंग एंड मोटर व्हीकल, ये जो है कॉस्ट है इनके, ये पूरे कॉस्ट है, ये पूरे के पूरे कॉस्ट है, और ये जो है उनके डेप्रिसिएशन है। अब लैंड का डेप्रिसिएशन होता नहीं बोल के उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं दी वाली है, और मोटर व्हीकल के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर में परचेस किए होंगे, लास्ट ईयर एंड ऑफ द ईयर में परचेस किए होंगे या तो इस साल के बिगनिंग में परचेस किए होंगे, ठीक है। तो ये मोटर व्हीकल का उन्होंने कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो जिनका दिया हुआ है वही हम लिखेंगे। सबसे पहले पांचों असेट के ओरिजिनल कॉस्ट भी लिख देंगे हम। तो आ जाओ अपना वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन, फिक्स असेट शेड्यूल। इसमें सबसे पहले हम असेट्स के नाम लिख देंगे, लैंड, फिर एक लाइन छोड़ के बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल। बच्चों एक और असेट है यहां पे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो है लाइब्रेरी, एकदम एंड में दिया हुआ है लाइब्रेरी 3,60,000, तो वो भी फिक्स असेट में ले लो, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी 3,60,000। तो ठीक है, पहले लैंड की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 1 लाख रुपीज, लैंड की वैल्यू 1 लाख। बिल्डिंग का कितना दिया हुआ है देखो बच्चों, बिल्डिंग 16 लाख, बिल्डिंग 16 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000। फर्नीचर एंड फिटिंग 6 लाख, फर्नीचर एंड फिटिंग 6 लाख, मोटर व्हीकल 1,80,000 और लाइब्रेरी 3,60,000। इतना हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने जिनका डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है जैसा बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिटिंग, ये तीनों के अमाउंट लिख देंगे रेस्पेक्टिव असेट के सामने। तो लैंड के ऊपर तो वैसे भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, बिल्डिंग का 480 दिया हुआ है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऊपर इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी दे दिया और नीचे प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, मिस्टेक है यहां पे, तो इक्विपमेंट को कट करके मशीनरी लिख लो, प्लांट एंड
या फिर मशीनरी को कट करके इक्विपमेंट लिख दो, इक्विपमेंट, ठीक है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,10,000, फर्नीचर फिटिंग, फर्नीचर फिटिंग 3,36,000, फर्नीचर फिटिंग 3,36,000, मोटर व्हीकल का कुछ दिया हुआ नहीं है, लाइब्रेरी का भी कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है करंट ईयर का। और बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। बिल्डिंग पे 5% है, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 10%, फर्नीचर फिक्सचर पे 10% और मोटर व्हीकल पे 20%। यहां पे देखो फिक्सचर दिया है, फिटिंग आना चाहिए कहीं पे, फिक्सचर कहीं पे फिटिंग, तो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन में मिस्टेक है, फर्नीचर फिटिंग्स आना चाहिए। तो बिल्डिंग पे 5%, तो बच्चों सबसे पहले बिल्डिंग 16 लाख रुपए का है, 5% कितना होगा बोलो मुझे, 5% 80,000, ठीक है। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बिल्डिंग का लिख दिया गया 80,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्लांट एंड इक्विपमेंट 10%, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,50,000 है, उसका 10% कितना हो जाएगा, 85,000, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10%, तो बच्चों फर्नीचर फिटिंग 6 लाख का है, उस पर 10% 60,000। उसके बाद मोटर व्हीकल 1,80,000, तो मोटर व्हीकल पे 20% है, तो डायरेक्टली कितना लेना पड़ेगा, 36,000। एंड लाइब्रेरी का कुछ बोला नहीं है, तो उस पर कुछ डेप्रिसिएशन मत करो, लाइब्रेरी के ऊपर कुछ बोला नहीं है अपने को। और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो लैंड के ऊपर तो जीरो आ जाएगा, 4,80,000 प्लस 80,000 कितना हो गया, 5,60,000, 5,10,000 प्लस 85,000, 5,95,000, 3,36,000 प्लस 60,000, 3,96,000। ओपनिंग डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे जीरो है, करंट ईयर में 36,000, टोटल 36,000, और लाइब्रेरी का जीरो। जो चीज हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करते थे, वो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट वर्किंग नोट बना के लिख रहे हैं। और यहां का जो नेट ब्लॉक का टोटल रहेगा, वो डायरेक्टली हमको फिक्स एसेट बोल के डायरेक्टली लिख देना है। बच्चों ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है फाइनल अकाउंट के अंदर, जो कि हमको जनरली सीए इंटर में सीखने को मिलता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि नंबर ऑफ असेट्स बहुत ज्यादा है, 5-6 असेट है, तो उस वजह से हम क्या करेंगे, ऐसे एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, अभी तक का डेप्रिसिएशन, ओपनिंग कितना हुआ था डेप्रिसिएशन, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना हुआ, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और फिर नेट ब्लॉक, ठीक है। तो नेट ब्लॉक किस तरह से निकालेंगे बच्चों, ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस ब्लॉक में से क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस करना है, तो लैंड का तो 1 लाख ही आ जाएगा, 16 लाख माइनस 5,60,000, 10,40,000, 8,50,000 माइनस 5,95,000, 2,55,000, 6 लाख माइनस 3,96,000, 2,04,000, 1,80,000 माइनस 36,000, 1,44,000, और 3,60,000 माइनस जीरो, 3,60,000। बच्चों अब रेस्पेक्टिव कॉलम्स के हम टोटल कर लेंगे, ग्रॉस ब्लॉक के कॉलम का टोटल करो कितना होता है, ग्रॉस ब्लॉक के कॉलम का टोटल 36,90,000। उसके बाद ओपनिंग डेप्रिसिएशन जो है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, उसकी टोटल करो कितनी होती है, 13,26,000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होता है देखो बच्चों, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,61,000। तो बच्चों ये वाला जो अमाउंट है 2,61,000, ये हमको कहां लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड पे लिखना है। करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो ही हमको एक्सपेंडिचर पे लिखना है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस का जो टोटल आएगा वो नहीं लिखना है हमको, बिकॉज इसके अंदर तो ओपनिंग भी डेप्रिसिएशन मिला हुआ है, तो 15,87,000 कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो नेट ब्लॉक का टोटल है, नेट ब्लॉक, ये नेट ब्लॉक का टोटल जो है ये बैलेंस शीट में एसेट पे जाएगा, ये वाला जो है वो बैलेंस शीट में एसेट पे चला जाएगा। तो ये पूरे वर्किंग नोट में हमको ये दो ही अमाउंट की जरूरत है, एक है 2,61,000 और एक है 21,03,000,
सिर्फ दो ही अमाउंट की हमको रिक्वायरमेंट है, 2,61,000 और 21,03,000। तो आ जाओ पहले हम एक्सपेंडिचर पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर साइड पे डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर साइड पे क्या करो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन, और अमाउंट लिख दो 2,61,000। बच्चों अगर डेप्रिसिएशन का डिटेल किसको चाहिए तो हम साथ में वो वर्किंग नोट भी अटैच कर देंगे, तो कोई भी पूरा डेप्रिसिएशन का डिटेल चेक कर सकता है, 2,61,000। और फिक्स असेट जो है वो बैलेंस शीट में असेट पे आ जाएंगे, फिक्स असेट्स बोल के डायरेक्टली हेडिंग लिखना है वर्किंग नोट नंबर वन, 21,03,000, फिक्स असेट कितना 21,03,000। तो ये एक बेनिफिट है, अगर हमने फिक्स असेट का शेड्यूल बना लिया तो हमको बैलेंस शीट में असेट्स पे और लाइब्रेरी साइड पे या एसेट पे कुछ भी प्रेजेंटेशन एसेट से रिलेटेड करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हमको फिक्स एसेट से रिलेटेड चाहिए वो वर्किंग नोट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 21,03,000 नेट ब्लॉक का टोटल है और ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का टोटल है। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर फोर, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ थर्ड नंबर पेंडिंग है जो कि इंफॉर्मेशन है एक्चुअली, जो हमको यूज करना है कुछ ना कुछ अमाउंट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो बच्चों आ जाओ अभी वापस से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में आ जाओ। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, सबसे पहला आइटम है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, कितना है 4,80,000। तो इनकम साइड पे आ जाओ और वहां पे लिखो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, कितना सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट 4,80,000। बच्चों इनर में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि उसका जो एक्सपेंस है वो हम यहां से लेस कर देंगे, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि एक्सपेंस यहां से लेस नहीं करके यहां पे एक्सपेंडिचर पे लिखे चलता गया, वो भी चलेगा, ठीक है, वो भी करेक्ट है। अगर आप एक्सपेंडिचर साइड पे उनके एक्सपेंस लिखते हो और इनकम साइड पे इनकम लिखे तो भी चलेगा। मेरे पास यहां पे प्रेजेंटेशन कैसा है कि अगर कोई सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट आया है तो उसके एक्सपेंस उसमें से मैंने लेस कर दिए, तो ये इनर में लिख दिया मैंने 4,80,000। चलो उसके बाद में कंसल्टेंसी रिसीट 1,28,000। तो बच्चों कंसल्टेंसी रिसीट नेक्स्ट, कंसल्टेंसी रिसीट कितना 1,28,000, कंसल्टेंसी रिसीट 1,28,000। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स, और वो भी क्रेडिट पे है, मतलब ये लायबिलिटी पे आना चाहिए बिकॉज सिक्योरिटी डिपॉजिट है स्टूडेंट का, तो ये हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स 1,50,000, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स 1,50,000। हो गया बच्चों ये। उसके बाद कैपिटल फंड 16,06,000, ये हम लायबिलिटी साइड पे ऊपर इनर में लिख देंगे कैपिटल फंड 16,06,000, 16,06,000। उसके बाद रिसर्च फंड 8,00,000 रुपीज, तो बच्चों ऑलरेडी हमने रिसर्च फंड को इनर में लिखा है 8,00,000 रुपीज को, एक बार चेक कर लेंगे, रिसर्च फंड 8,00,000 रुपीज इनर में हमने लिख दिया क्योंकि उसका एक्सपेंस उसमें से हमने लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग फंड कितना है, बिल्डिंग फंड बच्चों 25, बिल्डिंग फंड कितना है 25,00,000, तो बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी साइड पे आएगा ना, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 25,00,000, बिल्डिंग फंड 25,00,000, प्रोविडेंट फंड 5,10,000, प्रोविडेंट फंड 5,10,000, प्रोविडेंट फंड डायरेक्टली आउटर में लिख दो प्रोविडेंट फंड। ट्यूशन फीस रिसीव्ड, बच्चों ऑलरेडी हमने इसके ऊपर रिसीवेबल का एडजस्टमेंट किया था तो ये भी हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट, और क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है तो गवर्नमेंट ग्रांट हम कहां लिखेंगे, इनकम साइड पे, तो इनकम साइड पे ले लो गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट 5,00,000 रुपीज, इनकम साइड पे लिखना है गवर्नमेंट ग्रांट 5,00,000 रुपीज।
उसके बाद डोनेशन 50,000 रुपीज, तो डोनेशन भी आ जाएगा इनकम साइड पे, जनरल डोनेशन है तो बाय डोनेशन 50,000, बाय डोनेशन 50,000। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000, ये भी इनकम साइड पे ले लो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000। उसके बाद हॉस्टेल रूम रेंट, हॉस्टेल रूम रेंट ये आ जाएगा इनकम साइड पे, हॉस्टेल रूम रेंट 1,75,000, हॉस्टेल रूम रेंट 1,75,000 इनकम, इनकम साइड पे ले लो। उसके बाद मेस रिसीट, वो भी नेट दिया हुआ है तो 2,00,000 रुपीज इनकम, मेस रिसीट 2,00,000 रुपीज इनकम, मेस रिसीट 2,00,000 रुपीज इनकम। कॉलेज स्टोर सेल्स 7,50,000, तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में जो स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट हमने बनाया है उसमें सेल्स हुआ है 7,50,000 का, तो ये ऊपर आ जाएगा स्टोर्स एंड सप्लाईज के अंदर बाय सेल्स 7,50,000, बाय सेल्स अकाउंट 7,50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000, बच्चों ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे लिख लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग 3,00,000, ये आ जाएगा स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट में डेबिट साइड पे, टू ओपनिंग स्टॉक 3,00,000 रुपीज, टू ओपनिंग स्टॉक 3,00,000 रुपीज, हो गया बच्चों ये। उसके बाद परचेजेस स्टोर्स एंड सप्लाईज 8,00,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू परचेजेस 8,00,000 रुपीज, टू परचेजेस 8,00,000 रुपीज, तो ये हो गया स्टोर्स एंड सप्लाईज परचेज। उसके बाद सैलरीज, ये जो सैलरीज है उसमें दो सैलरी है, टीचिंग का सैलरी 8,50,000, रिसर्च का सैलरी 1,20,000, तो टीचिंग वाला जो सैलरी है वो हम एक्सपेंडिचर पे लिख देंगे और रिसर्च वाला जो सैलरी है वो हम रिसर्च फंड में से माइनस कर देंगे। समझ में आया क्या? ये कहां से माइनस करेंगे? रिसर्च फंड में से, रिसर्च फंड में से माइनस कर देंगे। और ये जो टीचिंग वाला सैलरी है ये हम कहां लिख देंगे? एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा। तो पहले आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड पे, टीचिंग सैलरीज, सैलरीज ऑफ टीचिंग स्टाफ 8,50,000, सैलरीज ऑफ टीचिंग स्टाफ 8,50,000 एंड सैलरीज ऑफ रिसर्च स्टाफ फंड में से माइनस करूंगा मैं, तो रिसर्च फंड में से क्या करो और 120 माइनस कर दो। रिसर्च फंड में 8,00,000 में से पहले हमने 150 माइनस किया था, अब 120 और माइनस कर दिया तो आउटर में कितना आ जाएगा? 5,30,000, 5,30,000। उसके बाद हो गया बच्चों यहां तक। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप बोल के एक है 80,000 रुपीज का, तो ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दो स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप 80,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट पे स्कॉलरशिप 80,000। उसके बाद स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस 38,000, तो बच्चों ये हमारे पास रिसीट है ना, स्टूडेंट्स वेलफेयर रिसीट, इनकम साइड पे थी क्या वो? नहीं है, तो ठीक है डेबिट पे लिख दो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस डायरेक्टली 38,000। अगर किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस की रिसीट होगी तो उसमें से हम लेस कर देंगे, तो इसका कोई रिसीट नहीं है, तो 38,000 डायरेक्टली एक्सपेंडिचर। उसके बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,12,000, तो ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर।
गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000, तो ये लिख दो गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस 65,000, तो बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लिख दो 65,000 एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। उसके बाद रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपीस, बैलेंस शीट असेट साइड रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपीस, बैलेंस शीट असेट साइड रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपीस। अदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000, ऑदर इन्वेस्टमेंट 8,50,000, असेट साइड 18,50,000, सॉरी ऑदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000, ऑदर इन्वेस्टमेंट 18,50,000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000, असेट साइड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस 4,50,000, तो बच्चों हमने सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट को इनर में लिखा था, उसमें से क्या करो लेस एक्सपेंसेस 4,50,000 माइनस कर दो तो आउटर में आ जाएगा 30,000। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट को हमने इनर में लिखा था 480, लेस एक्सपेंसेस 450, आउटर में 30,000। ठीक है, अगर ये 450 डेबिट पे लिखना है तो 480 डायरेक्ट आउटर में लिख दो, ठीक है वो भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद में कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस 28,000, हमने कंसल्टेंसी रिसीट को इनर में लिखा था 128, इसमें से लेस एक्सपेंसेस माइनस कर दो 28,000, आउटर में 1 लाख, आउटर में 1 लाख कंसल्टेंसी रिसीट, उसमें से एक्सपेंस लेस कर दो आउटर में 1 लाख। उसके बाद लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिटिंग मोटर व्हीकल उसके डेप्रिसिएशन ये सब हो गया हमारा। कैश एट बैंक लिखना बाकी है 6,42,000, कैश एट बैंक तो बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड कैश एट बैंक 6,42,000, कैश एट बैंक 6,42,000, कैश एट बैंक 6,42,000। उसके बाद लाइब्रेरी हमने फिक्स असेट शेड्यूल में लिख दिया उसको, लाइब्रेरी 3,60,000, तो ये ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, तो बच्चों ट्रायल बैलेंस के पूरे आइटम्स हो गए, एडजस्टमेंट्स भी हो गए, सिर्फ हमको ये एक एडजस्टमेंट का यूज नहीं किया अभी तक, तो वो यूज करना है। तो बच्चों अब आ जाओ पहले स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट के अंदर, स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट के अंदर बच्चों ये अकाउंट को समझो। इसमें क्या किया हमने, 3 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया स्टोर्स एंड सप्लाईज का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेजेस 8 लाख रुपए का, मतलब टोटल हमने 11 लाख रुपए का हमारे पास स्टॉक टोटल हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल था, 11 लाख रुपए का सेल करने के लिए अवेलेबल था। बट उसमें से ये जो अमाउंट है 50,000, 150 और 75 और 25,000, ये तो हमारे इंटरनल स्टाफ ने ही यूज कर लिए। तो ये जो 11 लाख रुपए का टोटल होता है उसमें से इतना तो हमारा एट कॉस्ट क्या हो गया, हमारे इंटरनल स्टाफ ने यूज कर लिया, और 7.5 लाख का हमने सेल भी किया। तो अभी प्रॉफिट जो इंक्लूड होगा वो 7.5 लाख में होगा, तो 7.5 लाख का हम क्या करेंगे, पहले 10% ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे इधर, या नेट प्रॉफिट जो भी बोलो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखूंगा, 75,000, किसका 10% है, ये 7,50,000 का। ठीक है, तो होना तो ब्रैकेट में लिख के रख लो 7,50,000 का 10%। तो अब हमको क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक। तो 3 लाख प्लस 8 लाख प्लस 75,000 कितना हो रहा है, टोटल 11,75,000, और 11,75,000 में से ये सब माइनस करो तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 1,25,000। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंस शीट में असेट पे जाएगा, बैलेंस शीट में असेट पे हमको लिखना है इसको
क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज 1,25,000, क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज 1,25,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज 1,25,000, समझ में आया बच्चों ये। और अगर एक बार आपका ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम नीचे ले लेंगे, प्रॉफिट ऑन स्टोर्स एंड सप्लाईज सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज 75,000, ठीक है। ये जो है इनकम साइड पे ले लिया हमने, और ये चला गया बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट पे चला गया और ये इनकम साइड पे आ गया, इनकम साइड पे, ठीक है। इसका तो हमने सेकंड इफेक्ट पहले ही दे दिया था स्टार्टिंग में, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होने की वजह से सिंगल इफेक्ट दिए इसका, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है और ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये वाला 7,50,000, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है बोल के सिंगल इफेक्ट, ये एडजस्टमेंट में है तो हमने इसका सेकंड इफेक्ट दे दिया था ऑलरेडी, और अभी 75,000 का हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसको नीचे ले लिए और क्लोजिंग स्टॉक को हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस या डेफिसिट। तो बच्चों यहां पे क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है देखो, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 21,95,000, और फिर सरप्लस कैलकुलेट करोगे तो सरप्लस आ जाएगा 5,89,000, और ये 5,89,000 आपको क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है, ऐड 5,89,000, तो 16,06,000 प्लस 5,89,000 आउटर में अमाउंट आ जाएगा 21,95,000, और फिर बैलेंस शीट का टोटल करो कितना होता है देखो बच्चों, बैलेंस शीट टोटल 61,10,000, बैलेंस शीट टोटल आएगा 61,10,000, तो बच्चों अगर आप ये आंसर जो अभी हमने बनाया है इसको अगर आप मॉड्यूल के आंसर से कंपैरिजन करोगे तो आंसर आपका मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 3,19,000 का सरप्लस है और हमारा आया है 5,89,000, तो फिर ये डिफरेंस क्यों और कौन सा आंसर करेक्ट है, आपको यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए कि मॉड्यूल का आंसर करेक्ट है या 5,89,000 करेक्ट है। तो बच्चों यहां पे एक्चुअली मॉड्यूल में इन्होंने क्या किया है, जो मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम जो है रिसर्च का इन्होंने यहां पे डेबिट किया है, और सैलरी भी जो रिसर्च की है वो यहां पे डेबिट किया है एक्सपेंडिचर साइड पे। मतलब हमने क्या किया, ये 1,50,000 और 1,20,000 को क्या किया था, रिसर्च फंड में से माइनस किया था, ये 8,00,000 में से, ये 8,00,000 में से लेस किया था, तो हमारा 589 आया है बिकॉज हमने क्या किया था उसको लाइबिलिटी साइड पे से माइनस किया था, इन्होंने क्या किया एक्सपेंडिचर पे बता दिया। तो अगर मैं यहां पे 150 लेस कर दूं, 150 और 120 अगर ये दो अमाउंट लेस कर दूं तो मेरा भी आंसर कितना आ जाएगा, 3,19,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा आंसर करेक्ट है बच्चों, अगर कंसेप्चुअली देखेंगे तो हमने जो आंसर सॉल्व किया है वो एकदम करेक्ट है। मॉड्यूल में इन्होंने रिसर्च को क्यों रिसर्च फंड में से लेस नहीं किया इसके बारे में कोई पॉइंट नहीं दिया, नीचे नोट वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर एग्जाम में ये सिमिलर क्वेश्चन आता है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस, मतलब अमाउंट वगैरह में कुछ चेंजेस करके, तो आप मॉड्यूल फॉलो करो, आपको मॉड्यूल का ही याद रखना है, आपको क्या करना है रिसर्च का जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंडिचर पे लिख देना है। अगर ये पॉइंट आता है, रिसर्च फंड भी दिया हुआ है और रिसर्च के एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना है वो एक्सपेंडिचर पे लिख देना है और नीचे नोट लिख देना है। अल्टरनेटिवली वन कैन डिडक्ट द रिसर्च एक्सपेंसेस फ्रॉम रिसर्च फंड। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, साथ में आपने नोट लिख के ये भी बता दिया कि अल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते हैं, इन दैट केस द सरप्लस विल चेंज अकॉर्डिंगली, तो सरप्लस उसके हिसाब से बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल ही फॉलो करना है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली अगर थ्योरी पढ़ोगे आप तो स्पेसिफिक फंड में से स्पेसिफिक एक्सपेंस माइनस होते हैं, स्पेसिफिक इनकम ऐड होती है,
तो यहाँ पे उन्होंने वो नहीं किया है, तो अभी फिलहाल में हम इसको नोट करके रख लेंगे, बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक है हमारे पास, तो हमको ज्यादा उसके लिए रिसर्च नहीं करना है, आपको मॉड्यूल ही फॉलो करना है, ठीक है? अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये नोट लिख के रख लो। और एक्चुअली बेसिक जो कंसेप्ट है वो तो मैंने बता दिया कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है, ठीक है, और वो उसके एक्सपेंस उसमें से माइनस करेंगे, उसके इनकम उसमें ऐड करेंगे, बट वो फंड अगर असेट से रिलेटेड है तो नहीं करते। असेट से रिलेटेड मतलब जैसा बिल्डिंग फंड है, अब हम अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस बिल्डिंग फंड में से माइनस मत करो, वो असेट साइड पे बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, वो असेट साइड पे बिल्डिंग रहेगी, और बाद में जैसे ही हमारा बिल्डिंग फंड पूरा हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर लेंगे, तो ये फंड को हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, जनरल फंड बना देते हैं उसको, स्पेसिफिक फंड इज कन्वर्टेड इनटू जनरल फंड, ठीक है? तो बच्चों ये एक क्वेश्चन था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, तो मैंने यहां पे वो क्लियर कर दिया, और अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू।